शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में नगर पालिका के सफाई कर्मियों पर कुछ लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब सफाई कर्मी सरकार की विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर नालियों की सफाई कर रहे थे। इस हमले में 2 सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी रविवार को विशेष आदेश पर वार्ड नंबर 2 शक्तिपुरम कॉलोनी की नालियों की सफाई कर रहे थे, तभी कल्लू पंडित के घर के सामने नाली के ऊपर रखी पटिया हटाने पर घर में मौजूद कुछ लोगों के द्वारा सफाई कर्मियों से गाली गलौज करने लगे। जब सफाई कर्मियों ने विरोध किया तो सफाई कर्मियों पर क्रिकेट के बल्ले और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें अशोक वाल्मीकि, विनोद वाल्मीकि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। नगर पालिका के सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की घटना हुई, क्या कुछ काम ये जानकारी मिली है? वार्ड नंबर 2 में जो सब अपने नाली की सफाई कर रहे थे, उस पर कुछ फर्सी का अतिक्रमण था, उस हटाने के दौरान उन्होंने इन पर हमला कर दिया है, और जिससे 2 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं, और इस संबंध में थाने में FIR दर्ज कराई गई है, और वर्तमान अभी इलाज उनका जारी है, और अभी डॉक्टरों ने परीक्षण कर रहे हैं उनका, जो है जो भी उचित इलाज की व्यवस्था होगी वो करवा रहे हैं। और मैं तो पुलिस ने हमला करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारी आज सवेरे सफाई करने गए थे तो कुछ गाड़ी वगैरह घर में कोई ने कहा था, उस पर इनका विवाद हो गया, लोगों ने इनकी मारपीट कर दी, उस पर से अपन मुकदमा कायम कर लिया है। इनमें अभी 2 लोग हैं। कितने लोग 6 लोगों के खिलाफ घायल, अभी इलाज चल रहा है, ठीक है। उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ अभी नहीं। शिवपुरी से जकी खान की रिपोर्ट।